नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल हार्ट के कॉन्सेप्ट की। आखिर ये होता क्या है और किन के काम आता है? आर्टिफिशियल हार्ट बेसिकली, अगर हार्ट बहुत कमज़ोर हो जाता है, जैसे हम कहते हैं पेशेंट अगर हार्ट फेलियर में है, जितनी बॉडी को कार्डियक आउटपुट चाहिए वो उतना नहीं दे पाता है, तो उन मरीज़ों में अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं लगा सकते हैं, हार्ट नहीं बदल सकते, तो आजकल आर्टिफिशियल हार्ट आ गया है जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस कहते हैं। तो वो सारे हार्ट फेलियर के पेशेंट जो टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम पे रहते हैं, जैसे इंट्राओर्टिक बलून पंप है, या फिर जिनको ऑलरेडी हार्ट फेलियर पेसमेकर लग गया है उसके बाद भी पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो इन सारे मरीज़ों में हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट की एज 65 ईयर्स से कम हो और वो कार्डियक आउटपुट को आर्टिफिशियल हार्ट जब भी लगता है उसके इमिडिएटली बाद से कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो जाता है, 5 लीटर्स के आसपास हो जाता है, जिससे कि इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। क्योंकि ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, डिवाइस पेशेंट के अंदर होता है और उसके रिब केज के बाहर से एक बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम होता है, तो बैटरी का बैग उनको लेके चलना पड़ता है और उनको ये ध्यान रखना होता है, उसको हम लाइफ लाइन कहते हैं, तो वो डैमेज ना होने पाए किसी तरह से, और उनको इन्फेक्शन का ध्यान रखना होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान, प्लस उनको ये भी ध्यान रखना होता है कि बैटरी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होती है, स्विच ऑन होती है, एक बैटरी, 4 बैटरीज होती हैं, तो हमेशा स्पेयर बैटरीज चार्ज होती रहें, फुली चार्ज होती रहें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बट एक बार वो हफ्ते 10 दिन में उसके लिए ट्रेंड हो जाते हैं और फिर नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। दुबला होना किसे पसंद नहीं है, लेकिन फैट लॉस और मसल लॉस में अंतर होता है। जानिए क्या है ये अंतर हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से। जो लोग वेट लॉस के लिए आते हैं, अक्सर बड़ी इग्नोरेंस में कहूँगी के साथ आते हैं कि उन्हें सिर्फ वेट लॉस करना होता है या वो सिर्फ स्केल लॉस पे फोकस करते हैं। एक्चुअली न्यूट्रिशन में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक फैट लॉस होता है, एक मसल लॉस होता है। जो लोग जिमिंग करते हैं या जो स्पोर्ट्स में हैं, ये कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से और क्लियरली समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, मसल लॉस, फैट लॉस, ये क्या चीज़ें हैं। मसल लॉस जो होता है वो ओवरऑल आपकी बॉडी को वीक बनाता है। आप क्रैश डाइटिंग कर लेते हो, बिना सोचे समझे कम खाना शुरू करते हो, पता नहीं होता किस तरह की डाइट कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे अपना मसल खोते हो, अपना फैट भी खोते हो और अपना वाटर भी खोते हो। जब आप अपना मसल खोते हो तो यूजुअली आप देखते हो कि जब आप डाइट कर रहे हो या कुछ ऐसा ड्रास्टिक कर रहे हो अपने साथ, काफ़ी लोग आके बोल देते हैं कि तुमने वेट लॉस तो किया है पर तुम्हारी शक्ल भी बीमार लग रही है, वीक लग रही है, पुल डाउन लग रही है। ये सब का मतलब ये है कि आप मसल लॉस भी करते जा रहे हो साथ में। मसल लॉस करने का बहुत ही डेंजरस रूप हो सकता है आपकी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बनी है मसल से, रहती है स्वस्थ मसल्स के कारण। हमारे जो मसल्स बनते हैं वो बनते हैं प्रोटीन से। तो आप कोई भी चीज़ अगर कम करते हो तो आपका मसल जब लॉस होता है, आप टायर्ड फील करते हो, आप एनर्जी लेस फील करते हो। हमेशा मसल लॉस पे नहीं जाके फैट लॉस पे जाना चाहिए। जब आप फैट लॉस करते हो तो एक्चुअली आप सुंदर दिखते जाते हो, आप टोन्ड होते जाते हो, आपका स्केल पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता वेट का। वेट भले ही आपका कम कम होता है, लेकिन कोई आपसे मिलता है तो आपको ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करता है कि आप बहुत फिट लग रहे हो या आप बहुत ग्लो कर रहे हो। दैट मीन्स कि आप एक्चुअल फैट लॉस कर रहे हो। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से सीखिए कैसे बनाएं एक स्क्रब अगर आपकी स्किन ऑयली है और उस पर दाग धब्बे हैं तो। नमस्कार, अगर आपकी त्वचा ब्लेमिश्ड है और ऑयली या कॉम्बिनेशन है, तो क्यों ना हम आज एक पैक बनाने जाएं या रादर एक स्क्रब बनाएं जिससे आपके ब्लेमिशेस कम हो जाएं। इसके लिए आपको बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो है राइस पाउडर, जो आप किसी भी मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं, चाइना क्ले या काउलिन पाउडर, लेंटिल पाउडर, और मैंने लिए है लाल मसूर की दाल, एंड इसमें हमें डालेंगे गुलाब जल। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये कंबाइन होके ब्लेमिशेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। सो 2 चम्मच हमने डाला है इसमें चावल का पाउडर,
दो चम्मच लाल मसूर दाल पाउडर और एक हीप्ड टीस्पून ऑफ चाइना क्ले। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, एंड जस्ट स्टर इट एंड लीव इट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 minutes। उस समय ये फूलने लग जाएगा और आप देखेंगे कि ये जो ग्रेन्स हैं ये और बड़ी होती जाएंगी एंड दी मिक्सचर विल स्टार्ट गेटिंग थिकर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे माई फेवरेट इंग्रेडिएंट गुलाब जल, अगेन अ वंडरफुल नेचुरल टोनर। ये आप देख रहे हैं कि आपका कितना स्मूथ ये मिक्सचर हो गया। क्लीन योर स्किन, अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस एंड द नेक, नहीं तो यू विल हैव अ फेयर लुकिंग फेस एंड अ डार्क नेक। सो हमने क्या करना है, हमें बेसिकली अपना पूरा स्किन इवन टोन करना है। ये आप स्क्रब अच्छी तरह लगा के छोड़ दें एंड जब ये सेमी ड्राई हो जाएगा अपनी दो उंगलियां पानी में डिप करके पैट करें पूरे फेस पे और धीरे धीरे स्क्रब करें इन अपवर्ड स्ट्रोक्स, नेवर स्क्रब डाउनवर्ड्स। स्क्रब करने के बाद ठंडे पानी से आप अपनी त्वचा धो लीजिए एंड पैट ड्राई। और ये स्क्रब आपने हफ्ते में 3 दिन से ज़्यादा नहीं करना है, सो प्रेफरेबली आप ऑल्टरनेट डेज पे करें और आप देखिए कि आपकी त्वचा कितनी क्लियर, कितनी सॉफ्ट और ब्लेमिश फ्री झटपट हो जाती है। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitrahe india। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार।